कोचिंग वाले एप्लीकेशन में हम लोग कल ट्राई कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को सर्चिंग का फैसिलिटी अचीव तो हुआ था, बट उसमें एक्चुअल में हुआ ये था कि जब हम लोग टेक्स्ट टाइटल से सर्च कर रहे हैं तो परफेक्ट काम कर रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पे टेलीविजन लिख कर अभी सर्च करूँगा तो ये काम कर रहा है, बट मैं जब कैटेगरी के साथ जा रहा हूँ तो वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे और लगाया है। और का मतलब होता है कि टाइटल हो तो वो सही, नहीं हो तो कैटेगरी। तो बेसिकली और की कंडीशन में ये ठीक से काम नहीं करेगा, इसको अलग जुगाड़ करके हम लोग करना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि कनेक्शन वेटिंग और ये कॉन्स्ट का वेरिएबल है, ये जो कोर्स का वेरिएबल है ये इफ एल्स में डाला हुआ है, तो हमको लगता है कि इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी थोड़ी देर के लिए हम ये पूरा इफ और एल्स को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और हम एक फ्रेश बनाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व हो सकता है। तो लेट मान लो क्वेरी नाम का वेरिएबल बना लिया, अब इसमें वो क्वेरी लिखेंगे जो मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा ये फाइंड के अंदर जितना कुछ लिखना है, ठीक है, तो मैं फाइंड के अंदर वाला बात यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और लिखूंगा स्टेटस जिसका ये मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, स्टेटस जिसका पब्लिश हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये चाहिए, दूसरी कंडीशन ये चाहिए कि जिसका टाइटल एक्सप्रेशन से मैच करें, यानी ये जो लाइन है पूरा का पूरा कट कर सकते हैं हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हम ये बात भी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, दोनों चीज हो गया। तो एक क्वेरी ऐसी बनाई है मैंने जिसमें, सॉरी ये छोटी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट, अब ठीक है। तो एक ऐसी क्वेरी जिसमें पब्लिश को चेक किया जाएगा और टाइटल चेक किया जाएगा, कैटेगरी नहीं रहने पर ये चेक किया जाएगा, और कोर्स में इसी को डिजाइन करेंगे, तो लिखेंगे कोर्स, ऊपर लेट लगा के कोर्स डिक्लेयर है पहले से, तो अवेट कोर्स मॉडल डॉट फाइंड, और यहाँ पे जो हम कर्ली ब्रैकेट डालते उसकी जगह क्वेरी लिख देंगे, हो गया। तो ये इतना कुछ यहाँ पे फाइंड के अंदर चला गया, तो ये काम हो गया, और मैं ये जितना पहले किया हुआ था काम इसको हटा देता हूँ, हटा दिया, तो अब पहले से सिंपल हो गया, देखो क्वेरी यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो बात तो वही हुआ, स्टेटस चेक होगा और टाइटल चेक होगा, तो पहले टाइटल स्टेटस देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो मैं यहाँ पे टाइटल चेक करता हूँ, पहले टेलविन सर्च करता हूँ, टेलविन क्वेरी कोर्स और कोर्स रिटर्न फाइंड, और उसमें पॉपुलेट भी लगा देते हैं, पॉपुलेट कैटेगरी, ठीक है। दोबारा से वेब टाइटल रेगुलर एक्सप्रेशन टाइटल के बराबर, हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँ, इफ अगर कोर्स आईडी हो, सॉरी कैटेगरी आईडी हो, तब इसी क्वेरी में क्या करना है, क्वेरी में कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी आईडी डाल देना है। इससे क्या हुआ कि अगर कैटेगरी होगा तो क्वेरी में एक कंडीशन और बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं, और इसके अलावा ये दोनों कंडीशन डालने के अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, देखो ठीक है, कोर्स मॉडल और क्वेरी, ये पब्लिश डबल कोट में होगा, सॉरी ये पब्लिश डबल कोट में नहीं था इसलिए नहीं आता, अब ठीक है। चेक करो यहाँ, देखो टेलविन मैं सर्च कर रहा हूँ, आगे इसको हटा देते हैं, ये देखो कोर्स इससे फिल्टर हो रहा है, और साथ ही साथ अगर हम इसको दोनों का देना चाहें तो दोनों हो सकता है, देखो देखिए तुमने, तो हम लोगों को फिल्टरेशन का जो प्रोसेस एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेरी बनाया है, चाहो तो ये लेट डिक्लेयर जो यहाँ हुआ उसकी जगह भी यहीं पर क्लियर कर लो, और इफ एल्स सब कुछ खत्म हो गया, किसी की जरूरत नहीं, ठीक है, हो गया। तो ये क्वेरी जिसकी प्रॉब्लम थी मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मेरे कैटेगरी में देखो ये कार्ड का थोड़ा इशू आ रहा है, एक दूसरे के नीचे आ रहा है, हम चाहते हैं एक दूसरे के बगल में आए, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक्शन को बंद कर देते हैं, पेज को बंद कर देते हैं, और सुपर एडमिन के अंदर आते हैं, एडमिन के अंदर आते हैं, और ये मेरा पेज जो रिडायरेक्ट करके जा रहा है डैशबोर्ड के पास, ये है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड का जो कॉम्पोनेंट है ये वाला, इसको खोल देते हैं, ये है डैशबोर्ड का कॉम्पोनेंट, और यहाँ पर
किसी वजह से फ्लिक्स एक दूसरे के नीचे आ रहा है, तो नॉर्मली हम फ्लिक्स एमडी में रो, अच्छा सॉरी ये अजीब है, तो एमडी में कॉलम होगा ये कहना था, एमडी में कॉलम होगा बाकी सब मेरे बाय डिफॉल्ट रो ही होता है, तो वो ठीक हो जाएगा। तो कहा कि बड़े साइज में बड़े छोटे साइज में कॉलम होगा, छोटे साइज में कॉलम होगा और बड़े साइज में रो होगा, ऐसे डिस्कस करना था, उल्टा कर दिए इसलिए ऐसा हुआ। अब ट्राई करते हैं, और सभी साइज में ये होगा और एमडी में रो होगा, ये तो सही है। एमडी का फीचर काम नहीं कर रहा है तो देख लेते हैं क्या वजह है। देखो ये जो लूप चल रहा है इसमें की नहीं है ना, तो ये सब पे ध्यान थोड़ा दे देते हैं, की डालना है तो इसमें लिखेंगे कार्ड, अब कार्ड काउंट इसमें तो कोई की नहीं है इसलिए हम सेकंड पैरामीटर में की सपोज कर लेते हैं, जैसे आई उसी को यहाँ डाल देंगे, इससे क्या होगा वो जो की का सिंटेक्स एरर आता है वो नहीं आएगा। और ये कॉल फ्लिक्स रो, ठीक है ऐसे नॉर्मल रो कर देते हैं सभी स्क्रीन में रो, तब काम करेगा। देखो ठीक है, तो इसका जो कलर है वो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ये जो काउंट डाटा बनाया है इसमें कलर को भी बता देते हैं कि कौन सा कलर हमको वहाँ चाहिए। तो जैसे सपोज डैट कि हमको यहाँ पे कलर चाहिए सक्सेस, इसमें कोर्स कार्ड डैशबोर्ड कार्ड में यहाँ पे हमको किसी भी हाल में कलर करना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं इसी में यहाँ पे कुछ कुछ कलर के नाम डाल देते हैं, जैसे रेड, ठीक है, और जैसे यहाँ पे ब्लू, कलर ब्लू डबल कोट्स में ब्लू, तो ये भी लूप में चलेगा और अलग अलग बॉक्स का अलग अलग कलर जनरेट हो सकता है। ये वाला कलर डाल देंगे मान लो ऑरेंज और ये वाला मान लो ग्रीन, ये कलर मेरे पास स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसी कलर को कैसे यूज करेंगे, ये नॉर्मली जैसे की पास हुआ, टेक्स्ट पास हुआ, काउंट पास हुआ, वैसे कलर को भी पास कर देंगे कलर, और लिखेंगे कार्ड डॉट कलर, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब है बट ये सही तरीका होगा। तो यहाँ पे कोर्स, अब इसके कार्ड में जाएंगे, इसके प्रॉप्स में हम कलर को भी उठा लेंगे, कलर को डाल दिया यहाँ पे, और ये कलर को कहेंगे कि देखो तुम यहाँ पे ऐसा कुछ करना कि कुछ कलर बन जाना, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे डालते हैं बैकटिक, ठीक है। बैकटिक डालने से क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग इसमें बैकटिक अंदर कर्ली ब्रैकेट बाहर, ये थोड़ा डायनेमिक हो सकता है ना, तो ये अंदर डायनेमिक हो गया और इसमें लिखेंगे बी जी डैश और यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, डैश 500, ठीक है, टेक्स डैश वाइट, और ये जो 500 जहाँ वहाँ कलर डाल देंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही सोचा है, अज्यूम किया है और इसका फ़ायदा उठाते हैं, देखते हैं दो आया है दो नहीं आया, ठीक है। तो दो कलर तो मैच किया शायद इसलिए आ गया, दो नहीं आया है तो हम देख लेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में कलर का क्या नाम है। ऑरेंज शायद नहीं है, ऑरेंज ग्रीन भी तो है, ग्रीन बीजी डैश ग्रीन डैश 500 तो होता है, बीजी डैश ग्रीन डैश, ये वाइट कर देते हैं ताकि वाइट कलर का दिखे, चलिए ऑरेंज को पहले सही कर लेते हैं। ऑरेंज येलो कर देते हैं, देखते हैं येलो काम कर देंगे, ये कलर क्यों नहीं आया, ये रेड करेंगे तो आ जाएगा, रेड ब्लू छोड़ के कुछ नहीं आ रहा, ग्रीन स्काई देखें, शायद ये सब अलाउड नहीं होगा। हम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं सेट सीएन, तो हम लोग क्या करते हैं इसका वेरिएंट भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो इसका जो यूटिलिटी है यानी इसका जो कंपोनेंट है कार्ड का, उसमें थोड़ा जाके चेंजेस करके आते हैं, ठीक है। जाएंगे यहाँ कंपोनेंट यूआई
इसमें काट दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो काट के पास बहुत सारा वेरिएंट है यहाँ पे पहले से। कहाँ गया वेरिएंट काट का? नहीं, वेरिएंट डिस्कस नहीं है। तो बेसिकली ये है बीजी डेस्क कार्ड, कार्ड हेडर, ये है कार्ड, डिस्प्ले नेम कार्ड, राउंडेड, और जो क्लास नेम है वो सब भी आता है। पता नहीं ये इसमें क्या दिक्कत है, कलर तो सब करना चाहिए था। तो काउंट डाटा, इसमें भी कलर है, इसमें भी कलर है, दो के बाद तीसरा क्यों नहीं आया? तीसरा में रेड के तो आ गया, रेड ब्लू के अलावा कुछ नहीं आ गया क्या? कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे टिल, स्लेटी, ये ले। चलो अभी जो ले लिया उसको यूज कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्यों नहीं ले रहा। इसमें कुछ टेक्स्ट वाइट के अलावा कुछ लगा नहीं। इसको अगर हम 700 करेंगे तो वाह, ये क्या बात हुआ। इसको अंदर डाल देते, रुको, इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने का मतलब है कि हम यहाँ पे बी जी डैश ऐसे करेंगे, प्लस का साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे, और यहाँ पे डैश 500 ऐसे, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग पुरानी की कोशिश कर रहे थे। अब कलर चेंज करके देखते हैं, रेड की जगह पिंक, यस, एंड येलो, नहीं। चलो कुछ जो काम किया उसी को रख दो, बाद में देखेंगे कलर का है नहीं एक्सेप्ट करना। तो ये मल्टीपल कलर का कार्ड बना दिए, जिससे क्या हुआ टोटल कोर्स और ये सब दिख गया अच्छे से। इसके बाद दूसरा पेज है वो है हम लोग का ये दिखाना, इसमें शॉर्टिंग काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम लोग सेट सीन के वेबसाइट पे जाएंगे, पहले वहाँ सीखेंगे कि शॉर्टिंग लगाते कैसे। तो शॉर्टिंग लगाने का जो तरीका है या जो काम करने का तरीका है वो यहाँ पर डाटा टेबल बता देगा। डाटा टेबल में गए, यहाँ पे देखो शॉर्टिंग का जो फीचर है वो काम कर रहा है, कर रहा है। तो इसका क्या तरीका है इसको जानने के लिए, इसका या तो कोड देख लो, वो बता देगा अच्छे से कोड कैसे करना है। दूसरा ये तरीका है कि यहाँ नीचे शॉर्टिंग को सीधा क्लिक करेंगे, शॉर्टिंग कैसे करना है वो बताएगा, बोलेगा अपडेट करिए डाटा टेबल को कि क्या क्या अपडेट करना है। तो शॉर्टिंग स्टेट डालिए, गेट शॉर्टिंग रो मॉडल डालिए और ये स्टेट डालिए। तो जैसे से ये कह रहा है वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे डाटा टेबल है, ये वाला डाटा टेबल है, सॉरी बाहर होगा इसका, नहीं यहाँ नहीं, जहाँ पे कोर्स है, कोर्स में गए, कोर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कॉलम दिख रहा है। और इसी तरीके से डाटा टेबल कहाँ है वो ऐसे कमेंट करके पहुँच जाते हैं। देखो यही है डाटा टेबल, इसमें हमको जितना चीज़ कह रहा है इम्पोर्ट करने के लिए वो करना है, ठीक है। कैसे कैसे कह रहा है देखो, इम्पोर्ट ऑल एज रिएक्ट, ये इम्पोर्ट किया हुआ है, नहीं इम्पोर्ट कर लो। इसके बाद दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि आपको ये इम्पोर्ट करना है, ठीक है, यहीं पे इम्पोर्ट करना है, ध्यान से देख लेना कहाँ पे इम्पोर्ट करना है, ठीक है। ये इम्पोर्ट करना है और ये इम्पोर्ट करना है, जो जो लाइन ग्रे हुआ हुआ है वही लाइन को यूज़ करना, ठीक है। ये सब इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद क्या कह रहा है, ये स्टेट बनाना है। तो हमने ठीक है बनाते हैं, स्टेट बनता है अंदर, यहाँ यहाँ बना दिया, बना लिया स्टेट। और इसमें देखो ये जो शॉर्टिंग, ये ना डेटा टाइप है, क्योंकि TS में काम करता है, टाइप स्क्रिप्ट में ये काम करता है, यहाँ जरूरत नहीं। और उसके बाद हम लोग आगे, यहाँ देखो यूज रिएक्ट टेबल में ये चीज़ सबको जोड़ना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा अच्छे से कॉपी कर लेते हैं, या कह लो कि यूज इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो यूज़ वाला लाइन है ये पूरा रिप्लेस कर देते हैं, कर दिया रिप्लेस, ठीक है। और इसके अलावा हमको क्या करना है वो देखो, हमको कहा कॉलम टेबल में जाइए, अब वहाँ एरो वगैरह लगाइए। हमको लगता है कि एरो लगा चुके थे, अब कल ये रिफ्रेश करके देख लेते हैं। गेट पेजिनेशन मॉडल, अच्छा गेट पेजिनेशन मॉडल डेटा टाइप बता हुआ है, ये सब नहीं चाहिए। देखो ये जो ना ये वैल्यू और ये इसका फंक्शन ऐसे नहीं चाहिए, बस ऐसे ही ये हटा देना। कॉमा कॉलम के बाद जो कुछ है जावा इसके भी नहीं लगता, फिर टी एच में लगता है, इसलिए ये फंक्शन सब एरर देगा।
चेक करते हैं, देखो गेट गेट पेजिनेशन इज नॉट डिफाइंड, पेजिनेशन का ऐसे भी काम नहीं है, अगर मांग रहा है तो उसको हटा देते हैं, ये था ना 32 नंबर लाइन पे। गेट सॉर्टिंग स्टेट इज नॉट डिफाइंड, अरे गेट सॉर्टिंग स्टेट ये ना 32 नंबर, फिर टेबल डॉट गेट रो मॉडल, ये क्या बात है, सॉर्टिंग स्टेट तो यहाँ, ओहो वापस से कंट्रोल जेड करते, रुको ये हमको ये था और ये हम लगाया, ठीक है हाँ ठीक है। यहाँ पे हमको एरर किस चीज पेज पे आ रहा है वो देखेंगे, कोई पेज पे नहीं, फालतू हम लोग मेहनत कर ली। अच्छा ये देखो पेजिनेशन वाला लाइन, सिर्फ पेजिनेशन वाला लाइन हटा देंगे क्योंकि हम इसका कोई काम नहीं किया, शॉर्टिंग का सिर्फ काम किया। देखो सॉल्व हो गया, तो हम लोग इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखो शॉर्टिंग हो रहा है पूरा, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, टाइटल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपडेट कर लिया सेट सी एन को देखकर, उसको अपडेट कर लिया काम हो गया। तो हम लोग सेट सी एन को ही फॉलो करना है, बेसिकली शॉर्टिंग काम कर रहा है, शॉर्टिंग एनेबल हो चुका है। तो चलो ये शॉर्टिंग भी कम्प्लीट हो गया, इसके बाद जो है हम लोग को आगे का काम ये है कि स्टूडेंट का डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, और जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से आ रहा है वो सबको ले सकते हो। ये बेसिकली नेक्स्ट ऑथ लाके हमको देता है ये इन्फॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा दिख रहा है, तो दिखाना ही है, उतना ज़रूरी नहीं है ये सब एक्सेस करना, क्योंकि ये सबको नेक्स्ट ऑथ अच्छे से मैनेज करता है। अब जो एडमिशन का पार्ट है, आई डोंट थिंक कि ना इसकी अब ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टूडेंट पेमेंट कर चुका होगा, जिसके पास कोर्स होगा, वो मेरा एडमिशन में आ गया, और जो स्टूडेंट अभी तक मेरा पेमेंट नहीं किया है तो नॉर्मल यूज़र है, ठीक है। तो हम लोग को इसके इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी पे काम करें, इस कॉलम को हटा देंगे अभी हम लोग, ठीक है। हटाने का मतलब ये है कि क्या करेंगे, एडमिशन नाम का जो फोल्डर है यहाँ पे, पहले उसको हटा देंगे, ठीक है। देखो हट गया, एडमिशन नाम का फोल्डर हट चुका है। इसके बाद जो साइड बार है, जिसको हम लोग यहाँ पर बनाया है साइड बार नाम से, और इसमें मेन्यू बार रखे हैं, ये है सारा मेन्यू बार, इसमें एडमिशन जो कॉलम है उसको हटा देंगे। तो ये लूप चल रहा है बेसिकली, ये हटा देने का मतलब लूप से हट जाए, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। देखो हट गया, तो ये कैटेगरी का पेज है, थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, और ये इंसर्ट है कैटेगरी का, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स के साथ इसको मैं काम खत्म कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और हाँ इंसर्ट का ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करते। और रह गया पेमेंट, तो मतलब मोटे मोटे तौर पर अब जो काम बच गया है, बस एक ही काम बच गया है, वो ये है कि हम लोग जब कोर्स को इनरोल करेंगे तो ये क्लिक करके इनरोल हो जाए, बस इतना ही काम बच गया। तो इनरोल हो जाए इसके लिए हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग इसमें अकाउंट बना लीजिएगा। ये स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है, जिसके बाद आपका पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए आपको साइन इन करना है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें करनी है। देखिए अभी हम साइन इन कर देते, मेरा साइन इन है पहले से, इसलिए देखो ये मेरा लॉगिन है, हम इसको टेस्ट मोड में डाल के लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास हो जाएगा तो फिर ये परेशानी नहीं होने वाला। देखो तो ये टेस्टिंग मोड मेरा, इसको नॉट नाउ कर देते हैं, ठीक है। अब ये पेमेंट इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे इसका एपीआई की वगैरह है जो लोड हो रहा है, यहाँ पे एपीआई की वगैरह उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मेरा जो है पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट होकर ये कोर्स को हम लोग अपने मतलब इसमें रख सकते हैं, ठीक है, अपने एज ए यूजर रख सकते हैं। तो हम लोग ये सब करेंगे,
तो ये है लास्ट काम जो हम लोग इस प्रोजेक्ट में करेंगे, इसके बाद ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इस टाइम पॉइंट पे शुरू करना चाहिए इस टाइप को। बस मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूँ कि इस टाइप को इंस्टॉल करना होगा आपको। इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हैं, कैसे इसको इंटीग्रेट करना है वगैरह वगैरह। तो आप इसमें डेवलपर वाला बटन है यहाँ पे ऊपर, देखिए क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पूरे अच्छे से डिटेल में जाइएगा। तो इसमें वेब हुक तैयार करना है आपको, ये वेब हुक तैयार करना है, वेब हुक पे आना है, और ये नीचे देखिएगा टेस्ट इन ए लोकल इन्वायरमेंट क्लिक करना है। टेस्ट इन ए लोकल इन्वायरमेंट मतलब मेरा भी लोकल पे है, इसलिए आपको कह रहा है कि आपको सारा काम करना है इस तरीके का। आपको एपीआई बनाना होगा जो हम आपको बताएंगे, ऐसे लॉगिन करना है, इससे पहले आपको इंस्टॉल करना है, फिर ये लॉगिन फॉरवर्ड करना है, सक्सेस मैसेज देखना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग ना बहुत सारे अभी इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे और फिर इस टाइप को लॉगिन करेंगे। एपीआई बताना अभी सही नहीं रहेगा, बट एक चीज़ ये रहेगा कि हम लोग अपने मॉडल में थोड़ा चेंजेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कैटेगरी मॉडल डिसाइड किए हैं, वैसे ही हम लोग कोर्स मॉडल डिसाइड किए हैं, यूज़र मॉडल डिसाइड किए हैं। तो अब हमको एक और मॉडल डिसाइड करना है पेमेंट को स्टोर करने के लिए, परचेज नाम का। और स्ट्राइप में जितने लोग यूज़र अकाउंट बनाएंगे, यानी जितने लोग स्ट्राइप से पेमेंट करेंगे उसका अंदर का डेटा, तो ये सब थोड़ा सा है यहाँ पे काम। और उसके बाद आपका ये पूरा फंक्शन फ्री हो जाएंगे हम लोग, जिसके बाद हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोग कहीं दूसरी जगह रीडायरेक्ट नहीं हो सकते, इस पेज पे कैटेगरी दिखाने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि इस पेज में कैटेगरी ना दिखे। ये पेज कौन सा है, कोर्स व्यू, तो आपको इस पेज से हटा देना है। कोर्स बाहर वाला कोर्स, कोर्स आईडी यहाँ, तो इसमें कैटेगरी यहाँ पे है ना, ये नहीं चाहिए। व्यू पेज पे कैटेगरी नहीं दिखाना है यहाँ, मतलब इस पेज पे हम कैटेगरी नहीं दिखाना है, कोई काम का नहीं। हाँ ऐसे दिखेगा, ठीक है, थोड़ा मार्जिन लगा देंगे बाकी काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो कोर्स हटा दिया, तो ये कैटेगरी भी हटा देते हैं, और थोड़ा मार्जिन यहाँ लगा दीजिए, थोड़ा चिपक सा गया उस पर, वो थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी है इतना सा। तो अब आपका पेज जो होम पेज, ये पेज दिखेगा ऐसा दिखेगा, ठीक है, उसमें कैटेगरी नहीं दिखेगा, बट आप जब पीछे आएंगे तो उसमें कैटेगरी दिखेगा। आपका होम पेज पे कैटेगरी दिखेगा और कहीं कैटेगरी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो में बहुत हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बनाएंगे इसमें पेमेंट इंटीग्रेशन का काम। तब तक के लिए बाय।